सेट थ्योरी में हम लेक्चर 5 यानी 4 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं, शुरुआत से चल रहे हैं। यानी लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, 3, 4 भी हो चुका है। शुरुआत से परिभाषा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को टच करके आप सभी को देखिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी छात्र क्लास 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, वे सीरियली और शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत से सभी वीडियो को देख लिया तो आप लोग निश्चित तौर पर मानेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद देखिए, आज की इस कड़ी में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑपरेशंस है, यानी ऑपरेशन का नाम तो आपने सुना ही है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होता है, सवालों का ऑपरेशन होता है बनाने के लिए। तो मैथमेटिक्स का ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जोड़ घटो गुणा भाग, ये सभी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं प्रयोग, तो देखिए ये लोग कैंची का प्रयोग करते हैं, ब्लेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देखिए सुई का प्रयोग करते हैं। तो ये डॉक्टर के हथियार होते हैं ऑपरेशन करने वाले। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में सवालों को ऑपरेशन हम जोड़ घटो गुना भाग के द्वारा करते हैं। ये हो गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर सेट पढ़ रहे हैं, आपका जो पहला चैप्टर है वो सेट से है। तो सेट जब हम पढ़ रहे हैं तो सेट का देखिए, दो समुच्चयों में सेट का ऑपरेशन किनके द्वारा होता है, तो वो होता है आपको यूनियन के द्वारा होता है, इंटरसेक्शन के द्वारा होता है, उसके बाद डिफरेंस यानी अंतर समुच्चय के द्वारा होता है। तो देखिए फटाफट आप लोग वीडियो को रोक करके अपने कॉपी पर उतारते चलिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इन्हीं के कड़ी में हम यूनियन का डेफिनेशन जानते हैं, विस्तार पूर्वक इनका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन हिंदी हो गया समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। अब देखिए सम्मिलन है तो सम्मेलन का आप लोग नाम सुने होंगे, सम्मिलन यानी मिलन, देखिए मिलन से बन गया है सम्मिलन। अब देखिए आजकल गांव घर में आप लोग देखते होंगे जो किश्ती वाला रुपया बहुत महिलाएं सब उठाती हैं, एक जगह एकत्रित होती है, तो देखते ही है ऐसे जमावड़ा जो होता है, बड़े बड़े सम्मेलन भी होते हैं, आयोजित होते हैं, तो अनेक जगहों के आदमी एक जगह इकट्ठा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक से अधिक सेट रहेंगे तो उनके अवयवों को हम मिला देंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। तो देखिए सम्मिलन का पहले इंग्लिश में परिभाषा जान लीजिए, उसके बाद हिंदी में हम परिभाषा को समझाएंगे, और उसके बाद ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो देखिए पहला परिभाषा यूनियन का क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यानी दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ए यहाँ पर देख सकते हैं ए यूनियन बी के द्वारा सूचित किया जाता है, इज द सेट ऑफ ऑल, इज द सेट ऑफ ऑल यानी उन सभी अवयवों का, दोज एलिमेंट्स विच आइदर इन ए, जो या तो ए में हो और बी, या तो बी में हो और इन बोथ, ए एंड बी या दोनों में हो। अब देखिए इनका हिंदी में परिभाषा आप जानना चाहेंगे तो नीचे में देख सकते हैं कि दो समुच्चयों का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन ए यूनियन बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी का परिभाषा हो गया। अब देखिए और शॉर्ट में परिभाषा चाहेंगे तो एक लाइन में याद रखिए,
कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब देखिए यू फोर क्या होता है, यूनियन, यूनियन जो शुरू होता है यू से शुरू होता है, तो फर्स्ट लेटर उनका लिया गया है और उसी को सिंबल माना गया है, यानी यू, यू से यूनियन होता है और ये यू क्या है, सिंबल है, संकेत है। अब देखिए यू का मतलब क्या होता है, और, यू का मतलब होता है और का हिंदी होता है या, यानी यूनियन, यूनियन मतलब और या, ये होता है। अब चलिए इनके जो एग्जांपल दिए हैं, पहले इनके सिंबॉलिक फॉर्म को जान लीजिए। सिंबॉलिक फॉर्म हिंदी होता है प्रतीकात्मक रूप, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक फॉर्म मतलब रूप। अब देखिए क्योंकि दो सेट ए और बी लेते हैं तो उनको हम ए यूनियन बी यानी ए सम्मिलन बी ऐसे हम पढ़ते हैं। अब देखिए एक्स, यहाँ पर एक्स लिया ना, तो कहने का अर्थ हो गया कि इसमें कोई एलिमेंट यदि एक्स है, एक्स यहाँ पर है, कोई एलिमेंट यदि एक्स है यानी ए यूनियन बी में, तो वह या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या तो दोनों का एलिमेंट हो सकता है। इसका अर्थ यही हुआ यानी एक्स एक्स यानी एक्स कोई एलिमेंट है तो या तो ए का होगा या तो बी का होगा या तो दोनों का होगा, इसका अर्थ ये हुआ। अब देखिए अगर रहेगा आपको कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स जो होगा ए का भी एलिमेंट होगा, हो सकता है या तो बी का एलिमेंट हो सकता है, यानी ए और बी दोनों में से किसी न किसी का एलिमेंट होगा ही या तो दोनों का भी एलिमेंट हो सकता है, ये अर्थ हुआ। उसके बाद यहाँ पर है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b यानी x जो है इनके यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया x नो तो a का सदस्य होगा और x नो तो b का सदस्य होगा, यानी क्योंकि यूनियन में नहीं है तो इसलिए a और b में से किसी का भी सदस्य नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के लिए कि कोई सेट ए है और इसमें देखिए एक दो तीन और सेट बी में देखिए चार पांच, चार पांच। अब देखिए ए और बी, ये एग्जाम्पल को माइंड में बैठा लीजिए, एक भी यूनियन का सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे ए और क्या है, बी है, ए और बी के यानी कॉम्बिनेशन एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। तो देखिए ए और बी के एलिमेंट को मिला देंगे तो देखिए एक दो तीन, एक दो तीन हो गया ना, एक आ गया एलिमेंट, क्योंकि ए और बी को हम क्या किए हैं, मिलन कराए हैं यानी मिलाए हैं, तो इसके एलिमेंट को मिलाना होगा, यानी एक दो तीन यहाँ पर है ये है, ये चार पांच है तो चार पांच इसमें रख दिए, तो देखिए यही इनका यूनियन हो गया। अब इनके दूसरे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि ए में क्या है, छह सात है और बी में क्या है, नौ दस है, यानी दो सेट ए और बी लिए हैं, दो सेट क्या लिए हैं, ए और बी, ध्यानपूर्वक देखते जाओ। अब देखो ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे तो छह और सात इसमें तो होगा ही, अब बी लिए हैं तो इनके एलिमेंट को भी ना मिला देंगे, तो देखो यूनियन जब करेंगे ना तो इनके एलिमेंट और इनके एलिमेंट को एक साथ क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी दो बार रिपीट नहीं करना है। अब इनका देखिए सम्मेलन, सम्मिलन का वेन आरेख निरूपण कैसे होता है, यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए यूनियन बी रहेगा और वेन जब ए सबसेट बी यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें रहेगा, बी में, यानी ए किसमें समाएगा, बी में। अब देखिए तो वेन आरेख के लिए हमको क्या करना होगा, एक जो है कि आयत का चित्र लेना होगा, यानी यूनिवर्सल सेट को हम किससे सूचित करेंगे, आयत से। अब देखिए दो समुच ए और बी क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो समुच दे दिया है, एक इसमें समा रहा है बी में, तो सेट बी जो होगा बड़ा होगा, सेट ए क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, यानी ए जो है बच्चा है किसका, बी का, तो बच्चा किसमें समाएगा, बाप में, तो इसलिए देख लो कि ए जो होगा सेट बी के अंदर में होगा, और चूंकि दोनों में एलिमेंट है तो इसलिए इनको क्या करना है, रंग देना है,
दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, देख सकते हैं कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, तो ए डज नॉट सबसेट क्या है बी, और बी डज नॉट सबसेट क्या है ए, ना तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है ना तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो अब देखिए ए यूनियन बी है तो इसलिए दो सेट ए और बी लिए, तो कुछ सब एलिमेंट नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट हो सकता है, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो जो एलिमेंट मिलेगा इस कॉमन पार्ट में आ जाएगा, और चूंकि दोनों में एलिमेंट है तो दोनों को हम क्या करेंगे रंग देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे रंग देंगे। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या है, ये ले लिए इनका जो कंडीशन है ए यूनियन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइ, तो देखिए यानी ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी दोनों अलग अलग है, तो एस ले लिए ए को अलग लिख दिए बी को अलग लिख दिए, दोनों को हम क्या करेंगे रंग देंगे, तो ये यूनियन का क्या हो गया खेला खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किनका इंटरसेक्शन का, किनका करेंगे इंटरसेक्शन का, यानी कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं यूनियन, यूनियन कहते हैं, और कॉमन एलिमेंट के सेट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं इंटरसेक्शन कहते हैं। तो चलिए इनका जो है कि शॉर्ट में अब हम डेफिनेशन लिखते चलते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए ऑपरेशन में दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप अब लोग अपने कॉपी पर उतारते चलिए, हिंदी होता है इनका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का क्या होता है सर्वनिष्ठ। अब देखिए यहां पर लिखेंगे कॉमन एलिमेंट्स के सेट को इंटर सेक्शन कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए इनका जो है जैसे यदि यदि ए और बी दो सेट रहेगा, दो सेट हो, यदि ए और बी दो सेट्स हो तो देखो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यू को हम पलट देते हैं, ये इनका सिंबल हो गया, सिंबल यानी इनका इंग्लिश हो गया इंटरसेक्शन, हिंदी इनका होता है सर्वनिष्ठ। तो आप लोगों ने जान लिया कि इनका सिंबल क्या है, यानी यू को पलट दीजिए ये सिंबल हो गया, तो ए इंटरसेक्शन क्या हो गया बी। अब देखिए इनका जो है कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, इनको हम देखते हैं, अब देखिए इंटरसेक्शन में सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिम बॉलिक फॉर्म, ए इंटरसेक्शन यदि बी आपको दिया रहता है, सिंबॉलिक यह मतलब होता है प्रतीकात्मक, फॉर्म मतलब होता है रूप। तो देखिए यहां पर एक्स लीजिए, एक एलिमेंट एक्स लिए तो इसका अर्थ हो गया, अगर एलिमेंट इसमें एक्स है तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स ए का भी एलिमेंट होगा एंड एक्स जो होगा बी का भी एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं कि एक्स जो है कि ए का ही एलिमेंट होगा, अगर एक्स इसमें है तो ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी होगा,
देखिए और एंड होता है और एक होता है और या, तो एंड कंफर्म कर देता है कि दोनों का होगा, और मतलब हो जाता है कि ये सस्पेंस में रखता है, या तो ए का हो सकता है या तो बी का हो सकता है। तो देखिए इंटरसेक्शन का अर्थ होता है एंड, और ये कंफर्म करता है कि दो सेट रहे कि तीन सेट रहे। अगर तीन सेट का हम इंटरसेक्शन निकाल के उनका हम सेट लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वो तीनों का होगा, तो इसलिए एंड, एंड होता है कंफर्म कर देता है। अब देखिए इनका कुछ और हम फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे संख्या के रूप में। जैसे एक्स बिलोंग्स टू रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स ए का सदस्य होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा ए। एंड यहां पर ओ आर और नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा इंटरसेक्शन में, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बी होगा, ये कन्फर्म करता है। उसके बाद देखो अगर रहेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स जो है ए का सदस्य नहीं होगा और एक्स जो है वो बी का भी सदस्य नहीं होगा, ये हो गया। तो ये इंटरसेक्शन आपने देख लिया है। अब देखिए इनका एग्जाम्पल, देखिए कॉमन एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ए ले लिए, ए में एलिमेंट है एक दो तीन, और सेट बी में एलिमेंट है तीन चार। तो देखिए इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो यहां पर आप देखिए एक खोजिए, एक इसमें है कॉमन नहीं हुआ, दो इसमें दो भी नहीं है, तीन की बात कर लेते हैं तो इसमें तीन भी नहीं है, तीन है, तीन यहां पर भी है तो तीन इसमें भी मिल गया। तो यही इनका इंटरसेक्शन होता है, यानी जो एलिमेंट दोनों में तुलना करेंगे मिलेगा उसको इसके इंटरसेक्शन में रख देंगे। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल होता है जैसे ए में एलिमेंट है चार पांच छ सात आठ, और बी में एलिमेंट हम ले लिए चार पांच छ दस, ऐसे ले लिए। इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो देखिए चार इसमें खोजिए मिल गया तो रख देंगे, पांच इसमें खोजिए इसमें मिल गया तो रख देंगे, छ इसमें खोजिए छ मिल गया तो यहां पर रख देंगे, सात देखिए सात नहीं मिला, आठ भी नहीं मिला, तो जो नहीं मिलेगा उनको नहीं रखेंगे कॉमन, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में उभयनिष्ठ के सेट को, एलिमेंट जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और उनके सेट को, उस एलिमेंट से जो सेट बनाते हैं वही इंटरसेक्शन होता है। यानी उभयनिष्ठ अवयवों के समूह को हम क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं। अब यह हो गया। अब चलिए इनका वेन आरेक निरूपण कैसे हम करते हैं इनको हम जान लेते हैं, वेन आरेक निरूपण। तो इसमें भी वही कंडीशन है, इनका हम दिखा देते हैं। तो देखिए सर्वनिष्ठ का वेन आरेक निरूपण, अगर आपको रहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी व्हेन जब ए सबसेट बी, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो बी में हो, तो इनका जो है कि व्हेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। एक आयत तो आप लेंगे ही, इनका नाम एस रखेंगे ही, क्योंकि ए जो है बी में है तो ए बी में समाएगा ही। अब देखिए इंटरसेक्शन में उन्हीं अवयव को रखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए का ही एलिमेंट आएगा और रेस्ट बी के वे एलिमेंट जो नहीं मिलता है वो तो नहीं होगा। तो इसलिए देख रहे हैं कि जो ए है उस सेट को हम रंग दिए हैं, बाद बाकी ये क्या है, खाली है।
दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पर कह रहा है कि न तो ए बी का सबसेट है न ही बी ए का सबसेट है, तो नहीं ज्यादा सबसेट का अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक अवयव बी में हो, अब प्रत्येक अवयव नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दुयो चार को तो मिलेगा। तो देखो ये ए और बी का जो कॉमन पार्ट होता है वही ना इंटरसेक्शन होता है, तो इसलिए इसी में सिर्फ एलिमेंट होगा, तो इसलिए इनको हम रंग दिए। फिर इसका तीसरा कंडीशन देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हो और ए इंटरसेक्शन बी फाय हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाय हो, तो अब तो उनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट होगा नहीं होगा, तो इसलिए सेट ए और बी क्या रह जाएगा, खाली ये रह जाएगा, यानी इनका इंटरसेक्शन खाली रह जाएगा। ये तो हो गया, अब हम बात करेंगे डिसज्वाइंट सेट्स। डिसज्वाइंट सेट्स इनका हिंदी होता है असंयुक्त समुच्च, डिसज्वाइंट हिंदी असंयुक्त समुच्च। अब देखिए असंयुक्त समुच्च किसे कहते हैं, इनका इंग्लिश में डेफिनेशन जानिए, इफ ए एंड बी आर टू, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हिंदी हो गया, यदि ए और बी दो समुच्च हो, हुज इंटरसेक्शन सेक्शन फाय, यानी जिसका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ क्या हो, फाय हो, इज कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट, यानी वह सेट क्या कहलाता है, डिसज्वाइंट सेट। या इनका दूसरे प्रकार से आप परिभाषा जान सकते हैं, यानी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट रहेगा ए और बी, आर सेट टू बी डिसज्वाइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाय, यानी डिसज्वाइंट सेट किसे कहते हैं, यदि ए और बी का इंटरसेक्शन फाय हो तो उसे हम क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्च कहते हैं। तो आप लोग पुनः एक बार परिभाषा को रिपीट कर लीजिए, यदि ए और बी दो सेट हो, अपने कॉपी पर उतारिए, यदि ए और बी दो सेट हो उनका इंटरसेक्शन फाय हो तो उसे हम असंयुक्त समुच्च कहते हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग सेट्स, यानी इंटरसेक्टिंग किसे कहते हैं, ये ऐसे दो सेट एक दूसरे को काट रही है, तो दो समुच ए और बी इंटरसेक्टिंग सेट कहलाता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाय, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो फाय के बराबर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंस सेट्स, यानी तीसरा सेट के ऑपरेशन में तीसरा प्रकार यही हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर, या इसको हम अंतर समुच्च भी कहते हैं। देखिए फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी मतलब हो गया कि किसी सेट ए और बी के लिए देयर डिफरेंस, यानी उसका जो डिफरेंस ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी के द्वारा जो है कि सूचित किया जाता है, इज डिफाइंड एज, या परिभाषित जो होता है किस प्रकार से होता है, तो ए माइनस बी बराबर होता है एक्स, यानी इसमें जो एक्स रहेगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ए में से देखिए बी घट रहा है, तो बी का जो भी एलिमेंट ए के एलिमेंट से मिल रहा है वो क्या होगा, घट जाएगा, छट जाएगा, और इसमें सिर्फ ए का ही एलिमेंट रहेगा, यानी ए माइनस बी, यानी ए और बी का अंतर समुच हम निकाल रहे हैं, ए और बी का अंतर समुच, तो इसमें देखिए सिर्फ ए का ही अवयव रहेगा, बी का अवयव नहीं रहेगा, क्योंकि बी तो घट रहा है तो बी का अवयव नहीं रहेगा, यानी इसमें अगर x है तो इसका अर्थ हो गया कि x a का अवयव है और x b का अवयव, लेकिन x जो है b का अवयव नहीं है क्योंकि b घट रहा है, तो b का अवयव छट जाता है। और हिंदी में परिभाषा क्या होता है कि दो समुच्चयों a और b का अंतर समुच a के उन सभी अवयवों का समुच है जो b में नहीं हो, यानी a के उसी अवयव को हम रखेंगे जो बी के अवयव नहीं होगा, ये होता है अंतर समुच। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग जो है कि समझ जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल इनका यहाँ पर एग्जाम्पल है, देख सकते हैं कि सेट ए है
और सेट में ए में जो है कि एक दो तीन चार, यानी चार एलिमेंट है, और इस सेट बी में एक दो दो एलिमेंट है, तो इनका जो है कि अंतर समुच्चय हम निकालेंगे, यानी ए में से बी को घटाएंगे। तो देखिए एक और दो है, यानी जैसे इसमें ए माइनस बी किया ना, ऐसे मिडल ब्रैकेट देंगे मिडल ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए एक है तो बी में खोजिए एक मिल गया, मिल गया तो समझिए कि एक में से एक गया खत्म। फिर दो है तो इसमें भी दो मिल गया तो दो दो खत्म हो गया। अब तीन है तो देखिए तीन इसमें मिला नहीं मिला, तो तीन यहाँ पर उतर जाएगा। चार है तो चार इसमें मिला नहीं मिला, तो चार यहाँ पर उतर जाएगा। अगर हम और एग्जाम्पल ले, ये तो पहला था, अगर मान के चलिए एक सेट हम ले लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट है बी सी डी, और बी में है बी डी ई, ये एलिमेंट है। अब इनका हम अंतर समुच्चय निकालेंगे, तो देखिए बी है यहाँ पर तो इसमें खोजिए बी है, तो बी में से बी गया खत्म। अब सी देखिए इसमें सी है नहीं है, तो सी बच जाएगा। डी देखिए इसमें है तो डी में से डी गया खत्म। अब यहाँ पर देखिए ई बचा है, तो इसमें कितना भी एलिमेंट बच जाए इससे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर ए में से घट रहा है तो ए का ही एलिमेंट इसमें लिखा जाएगा, बी के एलिमेंट को छांट करके जो मिल रहा है ए में, समझ गया ना। अगर बी माइनस ए, अब इसी में देखो बी माइनस हम क्या कर दे ए, बी माइनस क्या कर दे ए, तो जो आगे में रहेगा वो सी का इसमें सिर्फ एलिमेंट रहेगा। तो देखिए एक में से एक गया खत्म, दो में से दो गया ये क्या हो गया खत्म, यानी इस सेट में एक भी एलिमेंट रखने के लिए नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं और अच्छी प्रकार से हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मान के चलिए कि सेट ए है, इसमें है एक दो तीन चार पांच छ, सेट बी है इसमें है आठ नौ दस, ऐसे ए माइनस हम बी करेंगे, ए माइनस क्या करेंगे बी। अब देखिए ए में से क्या घट रहा है, बी में घट रहा है जी, तो अब देखिए एक ये है ना, इसमें देखो एक मिला तो एक रख दिए, दो है तो दो इसमें मिला दो रख दिए, तीन है तो तीन मिला रख देंगे, चार है तो चार मिला रख देंगे, पांच है तो पांच मिला, छ है तो छ है, तो यही अंतर समुच हो जाएगा। यानी जो मिलेगा उनको छांट देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं छांटेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सेट ए है, इसमें अच्छा ए माइनस बी तो हमने जान लिया, बी माइनस ए भी हम निकाल के देख लेते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखिए आगे में बी है तो सिर्फ किसका एलिमेंट लिखा जाएगा बी का, ए का नहीं लिखेंगे, यानी जो घटता है उसके एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो ए घट रहा है तो एक एलिमेंट को इसमें कभी भी भूल से भी नहीं लिखना है। बी बी में देखो आठ है तो आठ इसमें खोजो है, अगर मिल गया तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं मिला तो लिखेंगे। नौ इसमें देखो है, नौ लिखेंगे, दस इसमें है, दस लिखेंगे। ये बी माइनस ए हो गया, यही अंतर समुच हो गया। अगर चार पांच छ इसमें लेते हैं एलिमेंट, और उसके बाद बी में जो है छ आठ दस ले लेते हैं, ए माइनस हम बी करेंगे, देखिए चार है तो इसमें चार मिला तो चार लिख देंगे, पांच है तो पांच मिला नहीं मिला लिख देंगे, छ है तो छ मिल गया इसको नहीं लिखेंगे। यानी जो मिल जाता है उनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या रहेगा चार पांच। तो इस प्रकार से आपने समझ गया है कि अंतर समुच्चय क्या होता है। अब चलिए हम अन्य समुच्चय की भी हम परिभाषा को हम जानते हैं, तो इसी कड़ी में देखिए पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय इनका इंग्लिश होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट
सेट पूरक समुच्चय। यहाँ पर है कि लेट, लेट मतलब क्या होता है कि माना कि एस बी यूनिवर्सल सेट, एस जो है वह क्या है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। कल हमने बता दिया था, अगर आपने उस परिभाषा को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिए, सेट एंड लेट ए सबसेट एस। अगर एस क्या हो यूनिवर्सल सेट हो और माना कि ए सबसेट क्या है एस, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है एस में, देन तब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तब ए का पूरक डिनोटेड बाय ए डैश, डिनोटेड बाय ए डैश और एस माइनस ए, या एस माइनस ए के रूप में हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज। देखिए ए पूरक, ये ए डैश बोलो या ए कॉम्प्लीमेंट या ए पूरक और या ए पावर सी, तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स बिलोंग्स टू एस। तो देखिए किस में से घट रहा है, एस में से ए घटता है, किस में से घटता है एस में से ए घटता है। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको किसका एलिमेंट रहेगा एस का ही ना रहेगा, किसका एलिमेंट रहेगा ए का एलिमेंट नहीं रहेगा। तो देखिए तो ए का पूरक यानी आप जो है कि खांटी मेथड में समझो, एकदम साधारण भाषा के रूप में इस प्रकार से पूरक समूच किसे कहते हैं, पूरक समूच किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल रूप में परिभाषा देना है कि यदि ए कोई समूच हो, यदि ए कोई समूच हो तो एस माइनस ए, तो एस माइनस ए उनका क्या कहलाता है पूरक समूच, क्या कहलाता है पूरक समूच। यानी ए कोई समूच हो तो एस माइनस ए क्या कहलाता है पूरक समूच कहलाता है। यानी ए के पूरक को हम ए डैश से सूचित करते हैं, तो ए का पूरक समूच क्या होगा एस माइनस ए, यानी पूरक समूच किसे कहते हैं एस माइनस ए को। यानी ए कोई सेट हो तो एस माइनस ए को हम क्या कहते हैं पूरक समूच कहते हैं। यानी एस यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे ए को घटा देंगे तो वह क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट, क्या कहलाएगा पूरक समूच। अब देखिए इनके एग्जाम्पल को समझिए, पूरी तरह समझ जाइएगा। जैसे मान के चलिए कि एस कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक दो तीन चार गो एलिमेंट है, और ए कोई सेट है इसमें दो गो एलिमेंट है एक दो, तो ए का पूरक समूच क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस ए। तो बोलो इस सेट में कौन सा एलिमेंट रखेंगे, एस में से ए घट रहा है, एस में से ए घट रहा है, तो देखो ए को घटाएगा ना, तो एक मिल गया ना कैंसिल, दो दो मिल गया ना कैंसिल, तीन बचा और क्या बचा चार बचा ना, तो देख लिया ना। इसी को हम क्या कहते हैं पूरक समूच, यही क्या हो गया पूरक समूच। इनको हम इस प्रकार से सूचित करते हैं। तो फाइनली आप लोग समझ गए हैं कि पूरक समूच किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं उस सेट को घटा देते हैं तो सेट क्या कहलाता है। यानी यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को घटाने पर प्राप्त सेट क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। देखो यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट जैसे ए हो या बी हो या सी हो घटा देंगे आ इनसे एक सेट प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं पूरक समूच, कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। अब देखिए इनका जो है कि सिंबोलिक फॉर्म क्या होता है, इनका सिंबोलिक फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ए पूरक बराबर होता है कि एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी इसमें सिर्फ एस का ही एलिमेंट होगा लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ए पूरक बराबर क्या होता है एस माइनस ए, पूरक बराबर क्या होता है एस माइनस ए, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा एस माइनस ए। एक मान लिए कि एक्स जो है कि एस माइनस ए का सदस्य है, एक्स क्या है एस माइनस ए का सदस्य, तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स किसका सदस्य है
एस का, और जो घटता है उसका सदस्य नहीं होता है, जो घटता है उसका सदस्य नहीं होता है। तो यही चीज होता है, अगर मान के चलो कि एक्स ए का सदस्य नहीं है, तब एक्स जो है कि ए पूरक का सदस्य होगा ही, समझ गया ना। तो इनका देखो, इनको कुछ और अच्छी तरीके से समझ लो। यदि एक्स जो है, एक्स जो है ये आपको ए का सदस्य नहीं है, एक्स ए का सदस्य नहीं है, तो ये आपको ए पूरक का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? ये पूरक का सदस्य होगा। यदि आपको एक्स जो है ए पूरक का सदस्य नहीं है, समझ गया ना, तो ये किसका सदस्य होगा? एक्स ए पूरक का सदस्य नहीं है, तो एक्स जो है ए का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा? यानी जस्ट उल्टा देना है, जैसे एक्स ए का सदस्य नहीं है तो एक्स किसका सदस्य हो गया? पूरक का। अगर एक्स ए पूरक का सदस्य नहीं है तो एक्स किसका सदस्य हो जाएगा? ए का। तो देखो कितना इजी है, सिंपल रूप से अगर इनका निकालना हो, जैसे मान के चलो कि एक्स बिलोंग्स टू एस माइनस बी, एस माइनस बी यानी बी कोई सेट है, जैसे ए कोई सेट लिए थे, तो एक्स जो है एस का सदस्य होगा, एक्स एस का सदस्य होगा, एंड और एक्स बी घट न रहा है तो बी का सदस्य नहीं होगा, बी का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए ये जो है बी का सदस्य नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या हो गया? बी पूरक क्या हो गया? तो बी पूरक मतलब एस माइनस बी, यानी जिसका पूरक निकालते हैं वह सेट घटता है, जिसे सी पूरक कहेंगे। क्या कहेंगे? एस माइनस क्या होगा? सी। अगर डी पूरक कहेंगे तो एस माइनस क्या होगा? डी। ए पूरक बोलते हैं तो एस माइनस क्या होता है? ए। या ए बराबर हम कहेंगे तो एस माइनस क्या होगा? ए पूरक। समझ गया ना। तो यही कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, यही क्या होता है, यानी आप माइनस वाले को इधर ले जाएगा तो प्लस, प्लस वाले को इधर लाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। चलिए अब हम अगले कड़ी को हम देखते हैं, अगले परिभाषा को। उनसे पहले हिंदी में जो इनका परिभाषा आप अपने कॉपी पर छापना चाहेंगे तो छाप लीजिए। देखिए क्या है कि किसी समुच्चय ए का पूरक उन सभी अवयवों का समुच्चय है जिसमें एस के वे सभी अवयव होते हैं जो ए में नहीं हो, जो ए में नहीं हो। तो यहाँ पर एस देख सकते हैं सेट है, ए में दो एलिमेंट है, तो इनका पूरक यानी ए का पूरक एस माइनस ए, तो एक दो को क्या किए, छांट दिए, रेस्ट इसमें एलिमेंट आया कि नहीं आया। चलिए इतना तो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि समुच्चयों के बीजगणित के नियम, समुच्चयों के बीजगणित के नियम या समुच्चयों समुच्चय संक्रियाओं के नियम, इसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चयों के बीजगणित के नियम या समुच्चय संक्रियाओं के नियम। इंग्लिश इनका होता है लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स और लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो पहला होता है वर्गसम नियम, पहला क्या होता है, वर्गसम नियम, और इंग्लिश इनका होता है आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉज। अब देखिए इनको भी विस्तार पूर्वक जानिए। तो यहां पर आपको संपूर्ण थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं। अब देखिए किसी समुच्चय ए के लिए वर्गसम नियम क्या होता है, देखिए जैसे ए यूनियन ए करेंगे तो ए ही हमको प्राप्त होगा, यानी दो समुच्चय का सम्मिलन जो होता है स्वयं के ही बराबर होता है, दो समुच्चय के सम्मिलन स्वयं के ही बराबर होता है, वर्गसम नियम है। उसके बाद अब दो समुच्चय का इंटरसेक्शन भी स्वयं के ही बराबर होता है। अब देखिए वर्गसम क्यों पड़ा, तो देखिए जब दो, दो गुना दो कहते हैं तो दो पावर दो हो जाता है, तो देखिए वर्ग हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर यानी दो गो संख्या को ऑपरेट करते हैं तो वर्ग हो जाता है, न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑपरेट हो रहा है लेकिन वहां पर अलग बात हो जाता है डिजिट में, लेकिन ये सेट है यहाँ पर अलग बात हो जाता है, लेकिन चूंकि दो गो को कर रहे हैं इसलिए वर्ग
इसका नाम वर्ग सम पड़ा है। सम मतलब बराबर, वर्ग मतलब चूंकि दो का दो को हम ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद देखिए तो ए यूनियन ए बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या होता है, ये ही होता है। अब इनको देखिए प्रूफ जो हम किए हैं, इसमें हम मान लिए कि एक्स जो है ए यूनियन ए का क्या है, सदस्य है। देखो एक्स जो है ए यूनियन ए का सदस्य है, यानी ए यूनियन ए जो सेट करते हैं उसमें एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो इसका अर्थ हो गया बारी बारी से दोनों का होगा जी, एक्स एक बार किसका सदस्य होगा, ए का। ई जो यूनियन है ये क्या है, यूनियन। यूनियन का अर्थ क्या होता है, और, ओ आर और, या हिंदी में क्या लिखना चाहोगे, या। अब देखिए एक्स एक बार ए का सदस्य होगा, फिर एक्स किसका सदस्य होगा, जैसे मान के चलो कि गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एक बार ए में गुना होगा, फिर एक बार क्या होगा, ए में। तो एक्स जो है कि ए का सदस्य है और एक्स किसका सदस्य है, ए का। तो एक ही चीज को नहीं लग रहा है कि हम दो बार लिख दिए हैं, तो क्या इनको हम एक बार नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए ई मान को यहाँ पर बैठा दिए, उतार दिए ना, ई मान को यहाँ पर, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे नहीं होता है लेकिन समझ जाओ कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इतना के बराबर क्या बचा, जब ये और ये खत्म हो गया तो इतना बराबर ये न बचा जी, तो हो गया प्रूव्ड कि नहीं हो गया प्रूव्ड। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, क्या है, इंटरसेक्शन। तो सेम ही चीज करना है, यहाँ पर इनको पढ़ते रहना है, और यहाँ पर जो और लिखे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देना है, ए एन डी एंड, क्या लिख देना है, ए एन डी एंड, बस आराम से वे भी प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसी में देखिए, इसी में होता है तत्समक नियम, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी लॉज। अब देखिए इनका परिभाषा क्या है, फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए, किसी सेट ए के लिए। अब देखिए पहला नियम इनका तस्मक में, ए इंटरसेक्शन एस, यानी सेट ए, सेट ए, और एस यूनिवर्सल सेट हो गया, एस किसका सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट, यानी ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होता है किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। और इसका जो दूसरा नियम है कि ए यूनियन फाइव बराबर ए ही होता है, ए यूनियन फाइव बराबर क्या होता है, ए ही होता है। तो एक को हम प्रूफ करते हैं, एक को हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए एक्स जो है, एक्स ए इंटरसेक्शन एस का क्या है, सदस्य है। एक्स ए इंटरसेक्शन एस का क्या है, सदस्य है। तो देखिए एक्स किसका सदस्य होगा, एक बार ए का। मान लिए कि x जो है कि a इंटरसेक्शन s का सदस्य है, तो x एक बार किसका सदस्य होगा, और x एक बार किसका सदस्य होगा, s का होगा, समझ गया ना, एक बार किसका सदस्य होगा, a का, और एक बार किसका सदस्य होगा, s का। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चूंकि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एंड। यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है इसलिए एंड लिखे। अब देखिए तो एक्स जो है कि ए का भी सदस्य है, और एक्स जो है किसमें से है, एस में भी है, क्योंकि एस जो है यूनिवर्सल सेट है और एक्स ए का। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स किसका सदस्य है, ए का। अगर क्यों लिखे, एक्स ए का सदस्य है, इसको क्यों छोड़ दिए, यदि x a का सदस्य है तो x s का सदस्य होगा ही ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि a का प्रत्येक एलिमेंट s में समाएगा ही, a का प्रत्येक एलिमेंट s में क्या होगा, इसलिए अगर x a का सदस्य है तो x जो है कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा ही, ये जग जाहिर होता है, इसलिए इनको हम छांट देते हैं, सिर्फ इसी को लिखेंगे, समझ गया ना। अब इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, और इसको हम ये, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, तो ये और ये गया, ये बचा यहाँ पर और ये बचा, हो गया ना प्रूव्ड। अब देखिए ये फाय है, तो ए यूनियन फाय मतलब कुछ भी रुपया नहीं, कुछ भी रुपया नहीं, जैसे ए कोई व्यक्ति इसके पास 10 रुपया है, एगो बी कोई व्यक्ति है इसके पास कुछ रुपया नहीं है, तो दोनों को संपत्ति को जोड़ देंगे तो कितना रुपया होगा,
दसेन होगा और दस किसका हुआ, दस एक का इन हुआ, तो इसलिए ये होता है। इसमें भी इसको इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए, अब होता है क्रम विनिमय नियम। तीसरा क्या होता है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉज। क्रम विनिमय का इंग्लिश क्या होता है, कम्यूटेटिव, और नियम का होता है लॉज। आप देखिए लॉज क्यों कर दिए, इसमें क्रम विनिमय में भी दो नियम लिया है ना, तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो समुच्चयों के लिए। आप देखिए पहला इनका नियम, ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी यूनियन ए, मतलब ए और बी को मिलाओ कि बी और ए को मिलाओ। सिंपल अर्थ में समझो कि ए के पास दस रुपया है और बी के पास भी क्या है, दस रुपया है, तो दस दस कितना हो गया, बीस। अब देखो बी और ए बोलते हैं तो कितना रुपया होगा, बीसन होगा जी, उल्टा के बोलो कि पुलटा के बोलो। तो देखो अंतर किस में हो जाता है, अंतर समुच में हो जाएगा, घटो वाला में। ए माइनस बी को आप बी माइनस ए नहीं लिख सकते हो, अंतर में अंतर हो जाता है। लेकिन एगो चीज देखो, जोर और गुणा एक ऐसा चीज होता है जिसमें उल्टा पुलटा के भी बोलो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये चीज होता है। अब देखो इनको हम जो है कि सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। अब हम यहाँ पर लेट मान लिए कि x जो है कि a यूनियन b का सदस्य है, x किसका सदस्य है, तो मतलब हो गया कि x a का सदस्य है और x किसका सदस्य है, यूनियन जैसे लग गया तो देखो x a का सदस्य हो जाएगा, x किसका सदस्य हो जाएगा, ये यूनियन है, यूनियन का क्या होगा, और यूनियन का क्या होगा, और फिर देखो b है ना, तो x एक बार क्या होगा, B का सदस्य होगा, किसका सदस्य होगा, B का। अब देखो X बिलोंग्स टू A, अब इनको हम पहले नहीं लिख सकते हैं, और है या है तो क्या इनको हम पहले नहीं लिख सकते हैं, इनको हम बाद में नहीं लिख सकते हैं, तो वही कर दिए। अब फिर X हम क्या किए, देखो इसको हम इस प्रकार से एक्सपेंड किए थे तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x b का भी है और x a का भी है, तो दो बार लिखा हुआ है तो x को हम एक बार ले लेते हैं, बिलोंग्स टू कर देते हैं, तो नहीं हो जाएगा ऐसे, तो b पहले है तो b पहले, a बाद में तो a बाद में लिख दिए। अब देखिए इनको हम उठा के यहाँ पर रख दिए, इनको उठा करके हम यहाँ पर रख दिए, तो देखिए ये मान क्या हो गया, कैंसिल, ये और क्या बचा, ये ही ना, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। अब इसी में देखिए चौथा नंबर का जो है कि एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। एसोसिएटिव का हिंदी होता है साहचर्य, और लॉज का नाम मतलब क्या होता है, नियम। तो फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, तो देखिए कम्यूटेटिव के लिए हमको दो गो सेट लेना होता है, एसोसिएटिव के लिए हमको तीन सेट लेना होता है, कितना सेट लेना होता है, तीन सेट। देखिए फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, तो इसमें देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले देखो कम्यूटेटिव में क्या होता है, जैसे बी और सी को साथ लिए हैं, ये बाहर में है ना, तो अब ए और बी को साथ लेंगे, सी को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो ये यूनियन वाला था। अब देखो इंटरसेक्शन में भी वही चीज, ए और बी को साथ लिए हैं, सी को बाहर किए हैं, तो अब क्या करेंगे, बी और सी को साथ लेंगे, ए को हम बाहर करेंगे, ये चीज होता है। अब चलिए इनको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो देखिए प्रूफ में मान लिए कि एक्स जो है एलएचएस पार्ट से हम करेंगे, एक्स जो है ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, सदस्य है, तो एक्स या तो ए का सदस्य होगा, यहाँ पर यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब होता है और, ओ आर और। देखो एक्स एक बार एक में गुना, समझो गुना कर रहे हैं, एक्स एक बार ए में गुना होगा, एक्स एक बार बी यूनियन सी में गुना होगा, चूंकि यहाँ पर बिलोंग्स टू है तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू देंगे, ये यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन का क्या होता है, और,
क्या लिख देंगे और गुना रहता तुम गुना देते क्या जी. अब देखो x बिलोंग्स टू b यूनियन c है तो ऐसे रहने देंगे. चलिए x बिलोंग्स टू a इनको यहाँ पर रख दिए, e और है तो यहाँ पर रख दिए. अब x एक बार b और c दोनों में ना ऑपरेट होगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा b, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा c, हो गया ना ऑपरेट. अब करना क्या है देखो, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b को एक साथ ले लेना है. ले लिए. अब देखो मतलब अब और एक करके न है, तीनों का एलिमेंट क्या है एक्शन है. तो अब हम a और b को साथ कोष्ट में घेर देंगे, e और लिख दिए और x बिलोंग्स टू अब हम क्या लिख दिए हैं c. अब देखिए x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, समझो हम कॉमन ले लिए. क्या किए a और क्या बचा यूनियन क्यों दिए, और का मतलब होता है यूनियन. ई और हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया c, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, क्या हो जाएगा. चलिए तो ये यूनियन भी बचेगा ही, इस और का क्या होगा यूनियन, ये क्या होगा c, c बच गया ना. अब देखो तो इन मान को यहाँ पर आप रख दो, इस मान को आप यहाँ पर रख दो, ये और ये कैंसिल, यही ना बचेगा, हो गया ना प्रूव्ड. तो ऐसे ना सोचना है कि ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि देखो नियम क्या होता है कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, ऐसे एक नियम और से ऐसे ही करके प्रूव कर सकते हो. तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट, तो ए बराबर क्या होता है बी, ये सबसेट्स के गुण से होते हैं, ऐसे डायरेक्ट कट नहीं जाता. ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए से हम कह रहे हैं.